वहीं आज फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम। पनहेड़ा खुर्द में आयोजित भंडारी में भी शामिल होंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ी खबर, आज फरीदाबाद का दौरा रहेगा सीएम मनोहर लाल का, एफएमडीए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, फरीदाबाद के विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी, समीक्षा करेंगे। साथ ही नहेड़ा खुर्द में भंडारी में भी शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। तो नहेड़ा खुर्द में आयोजित भंडारी में भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो सीएम के कार्यक्रमों से जुड़ी आज की बड़ी खबर, आज फरीदाबाद में रहेंगे सीएम मनोहर लाल, एफएमडी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। फरीदाबाद के विकास कार्यों को लेकर सीएम की ओर से ये बैठक की जाएगी। तो आज सीएम फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे, कई अहम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, एफएमडीए बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम मनोहर लाल। पनहेड़ा खुर्द में आयोजित भंडारे में सीएम पहुंचेंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। अनिल राठी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सीएम फरीदाबाद आज पहुंचेंगे, क्या कुछ टाइमिंग उनके पहुंचने की रहेगी और क्या कार्यक्रम उनके होने वाले हैं आज फरीदाबाद में? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो 11:50 पर सेक्टर 12 दशहरा में उस पर परेड ग्राउंड पे जो है वो लैंड करेगा। और जैसे ही 10:50 के बावजूद जो है वो उनको वहां पे 11 बजे तक जो है वो सर्किट हाउस वहां पे पहुंचेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और 11 बजे के बाद जो है वो वहां से पनहेड़ा खुर्द के लिए, जिस तरीके से जो है बताया कि नाथ समुदाय का जो है वो कार्यक्रम है, नाथ समुदाय का भंडारे का आयोजन है, वहां पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बावजूद जो है वो, हालांकि इसमें योगी का भी कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, लेकिन उनका किसी कारणवश जो है वो कैंसिल हो गया, लेकिन इसके बावजूद जब 12:30-1 बजे के आसपास जो है वो वहां से प्रसाद ग्रहण करके निकलेंगे और इसके बावजूद फिर दोबारा से जो है वो सेक्टर 16 रेस्ट हाउस में पहुंचेंगे, जहां पर कि उनका लंच का कार्यक्रम है। लंच का कार्यक्रम के बाद जो है वो 2:30 बजे के आसपास जो है वो जीएमडीए यानी गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसके अधिकारी वहां पे पहुंचे हुए हैं, उनके अधिकारियों के साथ डिस्कशन किया जाएगा, जो शीतला माता मंदिर ट्रस्ट है उसको लेकर के कई अहम बैठक की जाएंगी। और इसके बावजूद 3:30 बजे जो है वो सेक्टर 12 जो डीसी कार्यालय है वहां पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अपने काफले के साथ, बाय रोड का पूरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। और 3:30 बजे जो है वो वहां पे एफएमडीए यानी कि फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसकी अधिकारियों के साथ जो है ये बैठक की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बैठक हो चुकी है, क्योंकि फरीदाबाद की बात कर जाए तो तमाम शहर जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत आ रहा है और उसी के तहत जो है वो विकास कार्य हो रहे हैं। इस पूरे कार्यकाल के दौरान जो है वो कई अधिकारियों के बैठक की जाएगी, तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे कृष्णपाल गुर्जर की बात कर जाए, चाहे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बात कर जाए, सभी लोग जो है वो वहां पे मौजूद रहेंगे इस बैठक के अंदर। और जो भी खाका तैयार किया गया है अधिकारियों के द्वारा कि कितने करोड़ का जो है वो विकास अभी हो चुका है, कितने का होना बाकी है, तो इस तरीके की तमाम बैठक जो है वो अधिकारियों के साथ और नेतागणों के साथ होंगी। और इसके बावजूद 6:30 बजे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ से दोबारा रवाना होगा। बिल्कुल, तो आपने पूरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी, जीएमडीए के अधिकारियों से भी बात करेंगे, एफएमडीए की बैठक करने वाले हैं, भंडारी में भी सीएम पहुंचेंगे, तो तमाम जो कार्यक्रम रहेंगे उनकी आपने जानकारी दी है। और बहुत शुक्रिया अनिल, पूरी जानकारी आपने दी सीएम के कार्यक्रम से जुड़ी। तो राठी आपको बता रही थी कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम के फरीदाबाद दौरे में।